वो जो सामने आप घर देख रहे हैं ना, वो है होम स्टे और उसका पीछे पूरा फॉरेस्ट माउंटेन और नीचे देखो आप पूरा वैली है और आगे का प्लेन ना एरिया थोड़ा प्लेन है। तो इस पूरे आप जितना भी जगह देख पा रहे हैं ना उसमें गिन के एक दो ही घर है और ये होम स्टे तो बिल्कुल ही अलग है। तो मैं इसी में रहने वाला हूँ तो इसकी पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, इस बार मैं एक ऐसे होम स्टे में रहने जाने वाला हूँ जिसके पूरी सराउंडिंग्स में माउंटेन है और वैली के नीचे सिर्फ एक सिंगल होम स्टे है। अगर आप उसको देखेंगे तो मेरे को उम्मीद है कि आप वहाँ पे जरूर जाओगे। और इस हिल स्टेशन का नाम है चक्राता, नाम इतना अनकॉमन नहीं है, आजकल काफ़ी लोग यहाँ जाने लगे हैं। और इसके बारे में बोला जाता है कि इस जगह पर कोई भी फॉरनर्स अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पर आर्मी का बेस कैंप भी है यहाँ पर। बट होम स्टे तो मैं आपको दिखाऊँगा, दो चार चीज़ें मैं आपको होम स्टे तक ले जाने से पहले आपको बता दूं कि मैं दिल्ली से निकला था सुबह 5 बजे और जब आप दिल्ली से निकलते हो तो इसका दो रूट आता है। एक रूट आता है आपका मेरठ जो एक्सप्रेसवे है वहाँ से, आप वो वाला रूट लेना वो अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही आप मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करोगे ना तो तकरीबन 150 किलोमीटर का रास्ता ना सहारनपुर से होते हुए क्रॉस करता है, तो वो एक मज़ा नहीं आएगा गाड़ी चलाने में। बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं ना तो ये जो इलाका है 150 किलोमीटर का सहारनपुर का, ये बेसिकली 9, 9:30, 10 बजे तक आप क्रॉस कर लो तो फिर रोड खाली मिलता, नहीं तो बहुत ही कंजेस्टेड होगा। और रास्ते में बहुत सारे आपको ढाबा भी मिलेगा, आप शीतल में खा सकते हो, लेकिन मैंने क्या प्रेफर करा है कि मैंने फूलचंद में रुका हूँ। मोस्टली जब मैं इस रूट पे जाता हूँ, जब कभी भी ऋषिकेश गया, हरिद्वार गया या आज मैं जब चक्राता जा रहा हूँ तो मैं फूलचंद में रुकता हूँ। उसका रीज़न क्या है, फूलचंद ना उस पूरे हाईवे में सबसे लास्ट में आता है तो 80% क्राउड पहले रुक जाती है, तो यहाँ पे क्राउड कम आता है तो काफ़ी खुला खुला खाली खाली है। और गार्डन बहुत अच्छा है, मुझे वो गार्डन में जा कर के बैठना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि आप दिल्ली से कितने बजे निकलोगे, रोड कैसा है और आपकी टाइमिंग निकलने की क्या होनी चाहिए और मैं क्या देखने जा रहा हूँ। मैं चक्राता में एक अल्टीमेट होम स्टे देखने जाने वाला हूँ जो कि सिंपल है, ऐसा कोई लग्जरी नहीं है, बट पूरा वैली के नीचे है, अकेला सिंगल एक होम स्टे है वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी इस वक्त मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं पूरे रास्ता जो प्लेन का है उसको क्रॉस करके मैं चक्राता का जो माउंटेन शुरू होता है मैं वहाँ पे हूँ। तकरीबन मैंने 20 किलोमीटर गाड़ी माउंटेन पे चला लिया है, तो आप एक इसका नज़ारा लें और उसके बाद हम फिर आगे जैसे जैसे अच्छी अच्छी रोड, अच्छे अच्छे सीन और फिर हम होम स्टे पर पहुँचते हैं तो वो हम कवर करेंगे और उसके बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। आई लव पहाड़, इसको देख के मैंने यहाँ रोका गाड़ी। और दूसरी रीज़न क्या है, आप इधर का नज़ारा देखो, ऑसम। वन ऑफ द रीज़न जो मैं माउंटेन पे आता हूँ ना कि जब मैं रास्ते से होते हुए रोड के थ्रू जब माउंटेन पे ऊपर आऊँ तो बीच में रुक करके मैगी खाऊँ और किसी अच्छे लोकेशन पे खाऊँ, तो मुझे एक बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन मिला रास्ते में। अभी मैं चक्राता से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले हूँ और गर्म गर्म मैगी का मज़ा ले रहा हूँ, धूप अच्छे से खिल के आई हुई है और हवा भी ठंड है और ये जगह बहुत प्यारी है। तो आप भी जब कभी पहाड़ों पे जाते हैं ना तो सीधा डेस्टिनेशन पे पहुंचने से अच्छा है कि उसके पहले आपको एक दो ऐसे लोकेशन मिलते होंगे तो वहाँ रुक करके आप मैगी, चाय, पकौड़े खाएं, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि पहाड़ का जर्नी करना भी अपने आप में एक एक्सेलेंट मतलब इंटरटेनमेंट है जिसको कि आपको इंजॉय करना चाहिए। तो आइए मैं मैगी खा रहा हूँ और इसके बाद 15-20 किलोमीटर के बाद हम चक्राता पहुँचेंगे, फिर देखते हैं।
अपने रिजॉर्ट में पहुंच चुका हूं। आपने बोलने का मतलब इनका ऑनर इधर है, मैं तो यहाँ स्टे करने आया। ये ज्योति जी हैं और मैं चाहता हूं कि इस जगह के बारे और इस रिजॉर्ट के बारे जो वो होम स्टे है वो ज्योति जी से आप सुनो तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, फिर आपको शायद यहाँ आने का मन बार बार करेगा। तो पहले कि ज्योति जी पूरी आपको चीज़ें बताएं, मैं आपको पहले एक इसका व्यू दिखाता हूँ, आप देख लो। हालांकि यहाँ आने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, चक्राता से और तकरीबन 20 किलोमीटर आप आगे आओगे, ऑलमोस्ट क्लोज टू टाइगर फॉल, तब ये जगह आता है। तो ज्योति जी अब सब कुछ आपके हाथ के ऊपर है, प्लीज बताइए। ये है हमारी छोटा सा पैराडाइज कह सकते हैं आप। हाँ जी जी, तो पंचवटी स्टेज नाम है हमारे स्टे का। हाँ जी। और यहाँ हमने कॉटेज के साथ साथ ना जो बैठने की जगह होती है, क्योंकि बैठने की जगह ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप आते हो किसी जगह तो उस जगह का फील लेना या फिर वहाँ टाइम स्पेंड करना, उसकी मेमोरीज ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो इसीलिए हमने ये ऐसे डाइनिंग एरियाज बनाया। ओके, वेरी नाइस। बाकी आप ये देख सकते हैं यहाँ थोड़ी बहुत खेती भी करते हैं आप। ये जो जगह है ये जो आपकी अभी और सामने वाला भी आप भी कर रहे हो, राइट? हाँ, सामने वाला भी है। वेरी गुड। थोड़ी बहुत खेती, गाजर, मूली, जैसे भी वेजिटेबल्स होते हैं वो हम उगाते हैं यहाँ। मतलब आज थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स हमें ऑर्गेनिक मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी सर। वेरी गुड। और ये हमारी किचन है। अच्छा, किचन पे लिखा हुआ भी है मील्स एंड मेमोरीज। वेरी नाइस। और काफी ना आपने ना थोड़ा सा वो जैसे गोवा वगैरह में जाते हैं ना, उस तरीके का लुक दिया, तो वो अच्छा लग रहा है। बाकी आप आगे हैं। जी हाँ जी। ये एक है कैफे टाइप बना हुआ है ओपन। अच्छा, नाइस। ये मोस्टली सभी को ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ओपन है। अच्छा, जैसे ऑफिस वगैरह करना चाहें तो ऑफिस का काम भी यहाँ से कर सकते हैं। लोग आते हैं जो काम करते हैं यहाँ बैठ के आराम से। मैं तो ये सोच रहा हूँ यहाँ से बैठ के जब कोई बाहर देखेगा जी तो क्या नजारा होगा। इसीलिए बना है। तो मेरा अभी दो तीन जो भी प्रोग्राम है, दो तीन दिन का, मुझे लगता है कि 80-90% टाइम सुबह के समय में, शाम के समय में शायद यहीं बिताऊं। क्योंकि ये हमारे काफी सारे गेस्ट आते हैं जो रिलैक्स करने के लिए आते हैं, तो वो दो तीन दिन यहीं रहते हैं। वेरी नाइस। मुझे सामने देख करके इतना खुश हो रहा हूँ ना। सनराइज व्यू है, आप किसी भी जगह से, किसी भी कॉटेज से अपने बेड पे बैठ के भी सनराइज देख सकते हैं। अच्छा, मॉर्निंग में मतलब 6 o'clock के आसपास वहाँ से सनराइज होता है। अच्छा, वीडियो के स्टार्टिंग में ना मैंने यही बोला है कि ऐसे तो मैं माउंटेन के पीक पे बहुत बार रुका हूँ, इस बार हम वैली में रुकने वाले हैं, तो सारी पूरी माउंटेन है सराउंडिंग्स में और हम उसके बिल्कुल नीचे हैं। तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और सामने ना फ्लैट है तो एक व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। सामने एप्पल ऑर्चिड्स है, अभी तो खैर उसमें वो नहीं है फ्रूट्स। अच्छा जी। बट अगर फ्रूटिंग का जब टाइम होता है ना तो पूरे सारे एप्पल ऑर्चिड्स हो जाते हैं। ओके। अभी देखिए, अभी और ये फ्लावर देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये पीच का पौधा। अच्छा, पीच का पौधा, वेरी नाइस। ऐसे पांच है हमारे पास पूरी प्रॉपर्टी में ना, अभी कुछ दिनों में सारी पिंक फ्लावर से सारी जगह भर जाएगी। अच्छा जी। बिग फैमिलीज या जैसे ग्रुप आता है बड़े बड़े, उनके लिए भी है ये कॉटेज में। अच्छा, दिखा देते हैं। ये जो बड़ा ग्रुप होता है उनके लिए बनाया हुआ है। इसका डबल स्टोरी है, ऊपर भी है, यहाँ से आपको। अच्छा, ये ऊपर भी है। अच्छा, यहाँ से। हाँ, मतलब अगर किसी को, वेरी नाइस, यहाँ आराम से ये दो चार बच्चे तो सो ही सकते हैं और बड़े भी सो सकते हैं। वेरी नाइस। पूरी जो फैमिली आती है या बड़ा इकट्ठा ग्रुप आता है ना। हाँ जी। तो वो अच्छा, इस तरफ भी एक है। हाँ। ये तो हो गया, मतलब दो तीन फैमिली भी आकर के आराम से रह सकते हैं यहाँ पे। कॉटेज में रहना पसंद करते हैं वो। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो हम भी पसंद करते हैं, स्पेशली हम भी घूमते हैं पहाड़ों में पहले से, तो जो एक एसेंस होता है ना पहाड़ों का, जो एक शांति होती है, वो फील करना सबसे ज्यादा हाँ, उसी पर्पस से ज्यादातर लोग आते हैं। मैं तो हम इसीलिए ज्यादा हॉटस्पॉट भी नहीं करते, कमरे भी ज्यादा नहीं बढ़ाए, बहुत सिक्लूडेड रखा हुआ है और बहुत नीश रखा हुआ है इसको। पहाड़ों का असली मजा तब है जब आप बॉनफायर करो। मेरा पहाड़ आने का एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि मैं आकर के यहाँ पे बॉनफायर करूँ और मुझे इस तरीके से खुद से बॉनफायर करना, खुद से लकड़ी डालना बहुत अच्छा लगता है। ठंड अच्छी खासी है, पूरा इलाका शांत है। अभी मुझे ये नहीं पता कि जो आग की अपनी एक आवाज़ होती है ना, जो लकड़ी जलने से होता है, वो आपके माइक कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट यस, मैं इस पूरे शांत माहौल में लकड़ी के जलने की आवाज़, आग की आवाज़ को सुन पा रहा हूँ और बहुत शांति लग रहा है। तो अब इसको एंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर सोने जाएंगे। सुबह में सनराइज होगा,
तो सनराइज होने के बाद ये जगह कैसा दिखता है और ठीक सामने से सनराइज होता है तो वो देखेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, चक्राता में हर रिजॉर्ट में या जहां भी आप स्टे करेंगे हर जगह बॉनफायर अलाउड नहीं है, बिकॉज ये आर्मी का एरिया है। तो जब भी आप कभी रिजॉर्ट बुक करें तो आप उनसे ये जरूर पता करें कि बॉनफायर अलाउड है कि नहीं है। जो आर्मी कंटोनमेंट एरिया के आसपास में जितने भी रिजॉर्ट या होटल्स हैं वहाँ पे ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, लेकिन आप जब थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे जा कर के रिजॉर्ट बुक करते हैं तो आपको बॉनफायर का मज़ा ज़रूर मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद हम टाइगर फॉल देखने जा रहे हैं। टाइगर फॉल यहाँ से अगर आप गाड़ी से जाएंगे तो 7-8 मिनट की ड्राइव है, बट मैं ट्रैक करके जाना चाहता हूँ, उसमें करीब आधे घंटे लगेगा। तो हिल स्टेशन में थोड़ा ट्रैक करना भी इज गुड फॉर हेल्थ, तो हम यहाँ से आधे घंटे ट्रैक करके टाइगर फॉल देखने जाएंगे, फिर आपको उसका पूरा डिटेल में दिखाते हैं। आइए, अम्मा जी ये पानी कहाँ से आ रहा है? अच्छा, पहाड़ वाला पानी पाइप से इधर आ जाता है। हाँ। ये घर है आपका? ये तो रसोई है हमारी। रसोई है? हाँ। यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पहाड़ों के बीच में कोने में एक जगह है, एकदम सनलाइट भी अच्छी आ रही है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो हम वहाँ पे रुके हैं, वहाँ से चलते हुए इस तरीके से हम नीचे आए, और अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, अभी तो टाइगर हिल पहुँचने में टाइगर फॉल पहुँचने में टाइम है, बट ये जगह देखो, ये पहाड़ के बीच में एक ऐसी जगह मिली है, बहुत ही प्लेन है, खुला है, और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से सामने का नज़ारा देखिए आप, ओहो ऐसा लग रहा है एक घर हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो चलिए मैं अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहा हूँ, अगर आप नहीं भी आए अभी तक तो कम से कम मेरे वीडियो से इस अच्छे अच्छे सीन को देख के आपको अच्छा लगेगा। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं, एक बार टाइगर फॉल के पास पहुंचते हैं, फिर देखते हैं हम वहाँ पे क्या कवर कर सकते हैं। ऐसे जो टाइगर फॉल है वो उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट से गिरने वाला पानी बोला जाता है, तो अब वहाँ चल के इसको देखेंगे। आवाज़ मैं अभी से सुन पा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, बाकी देखते हैं। जैसे जैसे हम टाइगर फॉल के नज़दीक आ रहे हैं, आप यहाँ की खूबसूरती को देखते जाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे लग रहा है टाइगर फॉल तो मैं बाद में देखूं, पहले यहाँ खड़ा रहो यार। ये सब मैं ना किसी मैगजीन में किसी कैलेंडर में देखता था, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको अपनी आँखों से इतने नज़दीक से देख रहा हूँ। इट्स वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और ये हमारा ट्रैक, अभी हमने ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स का वॉक कर लिया है, ऊपर से होते हुए हम इस रोड पे अभी आ गए हैं, यहाँ से वॉक कर रहे हैं, मेरे ख्याल से और अभी 10-15 मिनट का वॉक है, और साथ में ये ब्यूटीफुल नज़ारे, इट्स वर्थ कि मैं इधर आया। और वो नीचे का देखो आप, जो पानी नदी है, पहाड़ी नदी,
ऐसे बहुत ही अच्छा होता है, वाटर बहुत क्लीन होते हैं और साथ में इन नज़ारों के बीच में ऐसे पानी बहता हुआ। और यहाँ एक स्मार्ट इंसान टाइगर फॉल जाने की तैयारी में थोड़ा शर्माते हुए और इन नज़ारों का मज़ा लेते हुए मेरे साथ चल रहा है, तो अब आगे चलते हैं। ये टाइगर हिल का एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट करने का पहले की पार्किंग है, यहाँ पे तकरीबन 60-70 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती है और यहाँ से फिर आप ये वाला ट्रैक करते हो। ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये 10 मिनट के वॉक पर आप टाइगर फॉल पहुँच जाओगे। माफ़ कीजिएगा, मैं बार बार टाइगर फॉल की जगह पर टाइगर हिल बोल रहा हूँ। तो हम यहाँ से अब टाइगर फॉल की तरफ ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, यहाँ आपको साइन बोर्ड भी दिख जाएगा। चलिए अब टाइगर फॉल देखते हुए आगे बढ़ेंगे, वहाँ पहुँच के फिर देखते हैं। ये है उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल और इसकी ऊंचाई की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही कलरफुल पत्तियों के बीच से ये पानी गिर रहा है, बहुत ही प्यारा नीले आसमान के नीचे। कैमरा से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट कैप्चर करने का, लेकिन अगर अपनी आँखों से देखोगे तो आप बोलोगे कि यार ये जगह कितनी प्यारी है। आई एम श्योर कैमरा में भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। और मेरी ट्रिप का शायद ये सारे अच्छे मोमेंट में से ये बेस्ट मोमेंट है जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ। वेरी नाइस। और ज़्यादा लोग नहीं आए आज, तो इन अ वे आई एम लक्की कि यहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं है, कुछ लोग हैं, बट ये जगह बहुत ही प्यारा है। तो गाइस एक अच्छा वाटरफॉल देख के आ रहा हूँ, टाइगर वाटरफॉल, और एक टाइम हो गया वीडियो को क्लोज किया जाए। तो इस वीडियो में आपने देखा एक अल्टीमेट होम स्टे, वैली के बीच में जहाँ और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैली है और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, रोड ड्राइव दिल्ली से यहाँ आने का। और इसके साथ इस वीडियो को मैं क्लोज करना चाहता हूँ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन आपको यहाँ देखने को मिला होगा इस वीडियो में, मैंने बहुत कुछ कोशिश करा आपको दिखाने का बताने का। तो आप इस होम स्टे को, इस जगह को ट्राई कर सकते हैं। और अब टाइम है आपको थैंक यू टाटा बाय बाय करने का, धन्यवाद। वीडियो देखिएगा तो जरूर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, यही मेरा एक्चुअल इनकम है। तो थैंक यू सो मच। बाकी थोड़े नज़ारा देखते हुए फिर फाइनली इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। टाटा बाय बाय।